अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां नगरीय निकाय चुनाव के बीच पुलिस कड़ी चेकिंग कर रही है। शनिवार रात को गोला का मंदिर पुलिस ने एक कार को चेकिंग में पकड़ लिया है। कार से 140 क्वार्टर देसी विदेशी शराब के क्वार्टर मिले हैं। कार पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है। कार पर पीछे वार्ड 19 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश बलवीर तोमर का पोस्टर चिपका हुआ है। नीचे कार पर राजपूताना लिखा हुआ है। बलवीर तोमर इससे पहले भाजपा के दबंग नेता माने जाते थे, पर इस चुनाव में टिकट ना मिलने पर बागी होकर कांग्रेस से मैदान में है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि प्रत्याशी या उसके परिवार का शराब से लेना देना है या सिर्फ कार चालक ने पोस्टर चिपका रखा था। गोला का मंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी मात्रा में शराब चुनाव में खपाने के लिए शहर में आने वाली है। इस पर गोला का मंदिर थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने फोर्स तैनात कर चेकिंग शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार, जिस पर आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, आते हुए दिखी। पुलिस ने कार को रोका तो उसमें से एक युवक कूद कर भाग गया, लेकिन कार चला रहे युवक को पकड़ लिया गया है। कार चालक की पहचान अमित राजावत के रूप में हुई है। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 140 क्वार्टर देसी विदेशी शराब के मिले हैं। पुलिस शराब के संबंध में पूछताछ कर रही है। कार की छानबीन की गई तो उसके पीछे एक पोस्टर भी लिखा हुआ था। कार के पीछे वार्ड 19 से पार्षद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश बलवीर तोमर का पोस्टर चिपका हुआ है। अब पुलिस यही पड़ताल कर रही है कि यह शराब वार्ड 19 के प्रत्याशी ने तो नहीं मंगाई थी। साथ ही भागने वाले आरोपी के संबंध में पूछताछ भी कर रही है। वैसे बलबीर तोमर भाजपा के दबंग नेताओं में शुमार थे। उन पर एक केंद्रीय मंत्री का हाथ होने की बात भी चलती थी। वह लगातार वार्ड 19 से भाजपा पार्षद चुने जाते रहे हैं, पर इस बार भाजपा से उनको टिकट नहीं मिला तो बलबीर बागी हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस से टिकट ले आए हैं, जिसके बाद भाजपा और केंद्रीय मंत्री उनसे रूठ गए हैं। यही कारण है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हम लोग गश्त कर रहे थे और गलियों में घूम रहे थे, तभी एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सफ़ेद रंग की डिजायर में बिना नंबर की गाड़ी है, कुछ शराब रखी हुई है। तो उसकी तस्दीक की गई, चेक करा तो गाड़ी पर नंबर भी नहीं था, और अंदर जब चेक करा तो उसको चेक करने पर उसमें देसी और अंग्रेजी दोनों मिला के करीबन 140 क्वार्टर मिले, जिसमें गाड़ी को जब्त कर लिया है, शराब जब्त कर ली है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी है, कोई उसकी गाड़ी बताई जा रही है? नहीं जी, तो अभी उसने नहीं बताया, लेकिन उस पर जो मोनो वगैरह लगे हुए हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बलबीर सिंह तोमर, उनके नाम के मोनो लगे हुए हैं।